Bye. तो 5 बजे की बस है हमारी पिथौरागढ़ की। और क्या करें फिर यार, रुड़की आऊं। आ जा, कैसा आता है तू बता। रुड़की चल, कल चलते हैं। दिक्कत हो जाएगी? नहीं होगी ना दिक्कत। एक चीज है आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग सभी लोग के लिए, कि अगर आप उत्तराखंड की बस से ट्रैवल कर रहे हो तो एक कुत्ते के पिल्ले गए आपके और बड़ा कुत्ता हो तो एक ही टिकट लगेगा। और जितने कुत्ते हमारे पास, दो लेबर है तो दो टिकट कट रहे हैं हमारे देहरादून से रुड़की के लिए। और बाकी क्या होता है, अगर हरियाणा वाली गाड़ी थी, अभी मैंने दोस्त से पता किया था तो उसने बताया था कि हरियाणा वाली गाड़ी में मत चढ़ना, वो डबल चार्ज लेते हैं कभी भी, और कुत्ते अलाउड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रोडवेज का भी पता किया, रोडवेज में भी अलाउड है, टिकट कटेगा कुत्तों को। तो एक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के लिए। तो दोस्तों अभी ऐसा हुआ था कि बात करी थी कि हम दो जनों का टिकट काटेंगे, बट इन्होंने टिकट नहीं काटा और उल्टा इन्होंने बोला कि 200 रुपए दीजिए। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग रुड़की। तो अभी बज चुके हैं 7:30, हम लोग निकले थे 5 बजे के आसपास, करीबन 2.5 घंटे लगते हैं यहाँ से देहरादून से रुड़की आने में। तो पहले हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ थोड़ा बिल्कुल निकल जाते हैं, बट यार एक दिन का प्लान हो जाता है हम लोग का रुड़की रुकने का, विवेक चले जाता है हरिद्वार, विवेक को कुछ काम हो जाता है, तो अभी वो लोग अंदर सो रखे हैं। बीच में एक घटना होती है हमारे साथ कि जब बस कंडक्टर आता है, बस कंडक्टर पहले हमसे बोलता है कि आप लोग को डॉग ले आना अलाउड नहीं है। जैसे जैसे हम बात करते हैं उनसे, जब हम बात करते हैं तो पहले तो वो बोलता है कि डबल चार्ज कटेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर उत्तराखंड की बस में तो एक ही, जैसे एक पिल्ला है तो उसका तो एक ही चार्ज कटेगा ना, एक टिकट कटेगा, तो पहले तो मान जाते हैं। फिर जब बस आधे रास्ते में होती है तो रास्ते में वो लोग हमसे टिकट काटने को बोलते हैं। जब हम बोलते हैं कि टिकट काटो तो टिकट के बदले वो बोलता है कि आप 400 रुपए दो, पर कुत्ते का 200 रुपया। तो वैसे देहरादून का टिकट है आपका, देहरादून से रुड़की का टिकट है 100 रुपया अगर आप बस से आओगे तो। तो वो हमसे डबल चार्जेस बोलता है। तो हमने तो हम बोलते हैं कि हम आपने पहले बात करी, तो ऐसे में कुछ बहस हो जाती है उसके साथ, तो फाइनली वो मान जाता है। जब हम बोलते हैं कि आप टिकट काटो, टिकट में ले जाएंगे, तो तब जाके वो 100 रुपए चार्ज करता है, वो भी बिना टिकट के। तो ऐसा काफी देखने को मिल जाता है। पहले आप लोग को बता दो, अगर आप लोगों ने पिछले ब्लॉग नहीं देखे तो प्लीज यार लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग पहले के ब्लॉग देख सकते हो। हम लोग मसूरी देहरादून गए थे, और उससे पहले भी अगर आपने बहुत सारे ब्लॉग देखने हैं तो चैनल लिंक या प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उस पर देख सकते हो अगर आप लोग चैनल में नए हो तो। तो स्टेशन है हमारा आज का, ये यहाँ पर रुकेंगे और रुकने के बाद देखेंगे क्या क्या होता है। अब कपड़ा चेंज करते हैं थोड़ी देर के साथ चलेंगे। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ जा, वहाँ जा। अरे 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 आजा, ये नए पार्टनर हमारे कल से। आजा 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 आजा, हाँ बस हो गया, अभी तुम्हारी भूख पूरी हो गई है। ऐसे कुत्ते भी नहीं हो तो सही। अरे यार बहुत प्यार, इनको खोल देते हैं, चलो जाओ। ऊपर मत आने देना, देखो इसको, देखो क्या कर रहा है। गुलू 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 गुलू, ये देखो इसको। इसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, इसको निर्वाणा अच्छी हो चुका है 1 साल पहले, तो उसने उल्टा ही मचा रखा। ये
काफी पीसफुल है गाइस, ये देखो यार घर जाके नहीं लगा, शरीर या है आत्मा जा चुकी है ऑलरेडी। एक उसको पेट की भरा है उसका भी। लाओ यहाँ तो खाना मांग रहे, देखो देता हूँ देता हूँ देता हूँ खाना। देखो भाई ये नहीं सोने वाला दोस्त भाई, ये सब हो जाए तो बर्तन धो दूंगा। सो जा भाई, गुड नाइट। गुड नाइट टाटा। इनको जबरदस्ती सुलवाना पड़ रहा है क्योंकि ये तो दूसरा वाला है, काफी शैतान है और काफी एक्टिव है उसके कंपैरिजन में, दूसरा तो लेजी है। अब जाने का टाइम हो गया, आज चले जाएगा वो, काफी ज्यादा आफत आने वाली है इसको ले आने में। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको इसके अंदर क्यों रखा है और इसको बाहर क्यों, तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा शैतान है जो शैतानी कर रहा है, इसको तभी बंद करके रख रखा है यहाँ पर, और ये चुपचाप लेटा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार बस स्टेशन, वहाँ से सभी लोग अपने अपने रास्ते, लेकिन उससे पहले आप लोग को एक चीज बता दूँ कि जितने भी लोग इन लाइब्रा को देख रहे हैं तो सब लोग इनके बारे में पूछते हुए आ रहे हैं हमारे पास, और ये अभी देखे हुए ये लोग भी पूछने आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सबको, और अभी टॉयलेट कर रहे हैं, टॉयलेट करने के रुकवाया था इनको। तो जो ये रॉट वाइलर दिख रहा है आपको सामने, काफी दिखने में काफी डेंजर लग रहा है, इसका नाम लियो है। तो ये कब से देख रहा है इन लैब्रा के पिल्लों को, कब से रॉट वाइलर ना डेंजर है बाय लियो। तो अभी हम लोग हैं हरिद्वार बस स्टैंड, और एक घंटा लग गया था हमको रुड़की से हरिद्वार आने में, और अभी आपको दिखाता हूँ कि दोनों कैसे अच्छे से सो रखे हैं। नीचे देखो ये कई प्यार से सो रखे हैं दोनों, लेकिन इनको काफ़ी दिक्कत तो आई होगी ऐसे हो करके, तो अभी तिरछा कर देंगे इनको। एक दिक्कत है कि नहीं दे रहे हैं, दो जन है लेकिन टिकट दोनों का पड़ेगा बोलने। बाय नहीं मतलब टेढ़ा करूँ या सीधा ऐसे, अगर आप लोग कोई भी अपना कपड़ा ले आते हो तो मेक श्योर की टिकट जरूर करूँगा। मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों, वो चेकिंग करते हैं, और चेकिंग में अलाउड नहीं करते कि कोई भी कुत्ता हो या पपीज वगैरह हो, बड़े कुत्ते को स्पेशली अलाउड ही नहीं करते टिकट करने को, क्योंकि यहाँ चेकिंग प्रॉपर होती रहती है। ये तो खैर छोटे पपी है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, टिकट के लिए बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करी भैया से, तब जाके उनका वो बनाया, उन्होंने टिकट बनवाया। बस चेंज करने का बड़ा दिक्कत है यार, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, कहाँ हो रही है? मेरा तो सर्वर नहीं चला, टनकपुर से वरना टैक्सी कर लूंगा, कोई दिक्कत गाड़ी क्यों करना। कैसा रहा आपको, आपको पता था कि बस में टिकट करते नहीं करते, हालत देख के पता नहीं लग रहा आपको कैसा, तो इसको भी पता नहीं था कि टिकट करते नहीं करता करके। ये देखो ये प्रॉब्लम रहती है, तो दो पिल्लों को एक पेटी के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक को तो यहाँ बैठा दिया, ऐसे करके ले जाएंगे अब पिथौरागढ़ को। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को